तो मोदी के गारंटी वाले पूरी तरह से शिक्षा का शिक्षा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें सहभागी बने हैं आज तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको स्थिति आ गई है कि अब कर रहे हैं यारी पर यारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए RJD के प्रवक्ता इजाद अहमद जी हैं, अब इनसे ही बात करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जो है अभी उनका सासाराम में यात्रा पहुंच चुका है आज, और वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ नजर आ रहे हैं यात्रा। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और देश में जिस तरह का नफरत का माहौल खड़ा करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो नफरत की राजनीति से निकाल करके बिहार को रोजगार और नौकरी की राजनीति की ओर प्रेरित किया है, और जिस तरह से नया आयाम दिया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। इसी बेचैनी और बौखलाहट में भाजपा के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अब नौजवान सवाल पूछते हैं, कहाँ गया मेरा 2 करोड़ रोजगार? आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311 लोगों को आपने नौकरियां दी है, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए हम युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, आम आवाम को न्याय दिलाने के लिए जो इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें सहभागी बने हैं आज तेजस्वी प्रसाद यादव, और जो मोहब्बत और रोजगार दोनों को आयाम देने का जो राजनीति है उसको हम नई दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ये नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और समाज में जिस तरह का वातावरण का निर्माण कर दिया है उस वातावरण से निकलने की आवश्यकता है। इसीलिए न्याय यात्रा के माध्यम से हम आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और लोगों का जिस तरह से समर्थन और विश्वास मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास है, लोगों का समर्थन है, ये NDA वाले, NDA के खेमे वाले को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको स्थिति आ गई है कि अब कर रहे हैं यारी पर यारी। उनकी राजनीति और उनकी राजनीति का जो सोच है उसको आम जन ने उजागर कर दिया। हम मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। सम्राट चौधरी कल शिक्षक से लगातार 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की है, और शिक्षक कर्मी जो है आश्वासन देते हुए सम्राट चौधरी कहे कि आप लोगों की किसी की नौकरी नहीं जाएगी और सबको रोजगार दिया जाएगा। सम्राट चौधरी जी लगातार 17 वर्षों तक सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही, और नीतीश कुमार जी उसी के भागीदार बने रहे, लेकिन 17 वर्षों में इन्होंने कहीं नौकरियां नहीं दी। जो हमने 17 महीने में महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प था, जो सोच था, और जो उन्होंने बिहार की जनता से 2020 के चुनाव में वादा किया था, उस वादे को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और आप देखें कि जिस तरह से 5 लाख के करीब हमने नौकरियाँ दी और 4.5 लाख शिक्षकों को हम जो राजकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा के बाद देने जा रहे थे उसको ये रोकना चाहते हैं, और इसी दिशा में ये कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से झलक रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं बयानवीर सुशील मोदी, उन्होंने पहले ही कह रखा था जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बिहार थे, कि भगवान भी अगर उतर के आ जाएंगे तो इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से बताने का काम किया कि अगर इंसान चाह ले तो सारा चीज मुमकिन है। ये जो वादा करते थे, जो मोदी की गारंटी देते थे, वो मोदी की गारंटी वाले पूरी तरह से शिक्षा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने के प्रति गंभीर नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है जिस गाड़ी में राहुल गांधी जा रहे हैं ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके नेता हैं, और राहुल गांधी जी देश स्तर पर कहीं ना कहीं जो न्याय यात्रा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो बिहार से संदेश दे रहे हैं वो देश स्तर तक पहुंच रहा है कि युवा नेतृत्व बिहार और देश में परिवर्तन का जो आगाज किया है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा।
चलिए ये हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। इन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और न्याय यात्रा जो है सफल रहेगा। इसी तरह तमाम बातें करते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय सलाह है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।